डॉक्टर अम्बेडकर गृह निवास पर हमला करने वाले अज्ञात आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए इंदौर में अखिल भारतीय बलाई समाज के लोगों ने संभागायुक्त कार्यालय पर दिया ज्ञापन। दरअसल मुंबई स्थित दादर में डॉक्टर अम्बेडकर के राजगृह पर हमला करने वाले अज्ञात आरोपियों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई की इंदौर के दलित वर्ग ने मांग की है। अखिल भारतीय बलाई समाज के लोगों द्वारा गुरुवार को बड़ी संख्या में इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे महापुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आशीर्वाददाता, जिन्होंने हमें मनुष्य समझा और मानव जीवन जीने के लिए समानता का, समरसता का अधिकार दिया, ऐसे महापुरुष जो विश्व रत्न कहलाते हैं, ऐसे महापुरुष जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, ऐसे महापुरुष जो दलितों के पिछड़ों के भगवान है, देवता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना अधिकतम समय मुंबई के दादर स्थित निवास स्थान पर गुजारा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में गत दिवस कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा विमनस्यकारी व्यस्तापूर्ण तरीके से उस घर को नुकसान दिए करा गया, मकान को तोड़फोड़ की गई है, मकान में नुकसान किया गया। मकान में तोड़फोड़ होना उस घर में, वो घर हमारे लिए मंदिर के समान है, और उस मंदिर में तोड़फोड़ होना हमारे दलित समाज बहुत दुखी है, आहत हुआ है। आज संपूर्ण दलित समाज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में रविदास समाज, वाल्मीकि समाज सहित सभी समाजजन यहाँ पर उपस्थित हुए। माननीय संभागायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि अज्ञात आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, तथा इंदौर में हमारे गीता भवन एबी रोड पर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसकी सुरक्षा की जाए, उसके सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, तथा इंदौर जिले में ही जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है उसे आज हम जो महू कहते हैं और सरकार के द्वारा अंबेडकर नगर भी कहा गया है, वह स्मारक है, हमारा प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, ऐसे देवतुल्य स्थान की सुरक्षा की जाए, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की जाए, ऐसा हमने माननीय कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है, ज्ञापित किया है, ज्ञापन दिया है। आज यहाँ पर संपूर्ण दलित समाज दुखित और आक्रोशित है, ऐसी घटना दोबारा न हो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया। यदि मुंबई के आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो दलित समाज क्या, दलित समाज सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि ये हमारे आस्था का मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देव पुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें मनुष्य बनाया, जिन्होंने हमें मानव जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिलाया, जिन्होंने समतामूलक समाज की नींव रखी, जिन्होंने समरसता, भेदभाव और जातिवाद क्या होता है, जातिवाद और भेदभाव से दूर रखकर आज हमारे को पशुवत जीवन जीते थे, हमारा दलित समाज आज मनुष्य का जीवन जी रहा है। आज आप सब लोग देख रहे हैं दलित समाज कोशिश कर रहा है कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ में बराबरी करने की, बढ़ने की, आगे बढ़ने की, उन्नति करने की, तरक्की करने की, और ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो कुंठित लोग हैं, जो पूरी विचारधारा के लोग हैं, वो पूरी विचारधारा के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं और वह द्वेष भावना इस तरह से कुंठित लोग निकालते हैं। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कतई सहन नहीं करेंगे। संपूर्ण दलित समाज सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन करेगा यदि मुंबई के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आपका नाम और पद? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। धन्यवाद। जय 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 जय।